हाँ दोस्तों, एमआर पाइपिंग चैनल में आपको स्वागत है। एमआर पाइपिंग चैनल आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं आइसोमेट्रिक के ड्राइंग बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी के लिए हम आपको बताएंगे अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग का सबसे पहले हम देखा जाता है, देखना चाहिए कि नॉर्थिंग का जो सिंबल है ये सब देखना चाहिए। जो नॉर्थिंग है, नॉर्थिंग देखिए, इसमें नॉर्थिंग दिया हुआ है, इसमें नॉर्थिंग दिया हुआ है, देखिए ये नॉर्थिंग इधर है, इसमें भी इस ड्राइंग में भी नॉर्थिंग दिया हुआ है, देखिए इसमें नॉर्थिंग दिया हुआ देखिएगा, या ये नॉर्थिंग देख करके हमको काम करना है ताकि हमारा लाइन कहीं भी गलती ना हो, कहीं भी गलती ना जाए। तो और एक महत्वपूर्ण बात है कि इसके जो नॉर्थिंग है, ये जो नॉर्थिंग कहीं कहीं ड्राइंग में घुमा रहता है, उसमें आदमी कॉन्फ्यूज हो जाता है कि नॉर्थिंग किधर, ईस्टिंग किधर, पता नहीं, उतना नहीं चलता है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, जो नॉर्थिंग दिए देखिए इधर नॉर्थिंग जो है सीधा दिया हुआ है। और आप याद रखिएगा कि नॉर्थिंग का जो दायना साइड है, नॉर्थिंग के यानी नॉर्थिंग का जो राइट साइड है वो ईस्ट रहता है, नॉर्थिंग का दायना साइड में ईस्ट रहता है। ये बात आप कभी भी याद रखिएगा, ये आपको आगे के लिए बहुत काम आएगा कि नॉर्थिंग का दायना साइड में ईस्ट रहता है। तो चलिए ये बात ये हो गया। तो ये लाइन का काम करने के लिए ये चीज़ बहुत जानना जरूरी है। इसमें ऐसे ऐसे ये ड्राइंग में ऐसे ऐसे चीज़ है कि इसमें अगर आपको हम आधा घंटा बताएंगे तो फिर भी ये ख़त्म नहीं होगा। बहुत सारा चीज़ इसमें छुपा हुआ, बहुत चीज़ हमको जानकारी करना है। आप लोग को ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए तभी आप लाइन का काम कर सकते हैं। ये जैसे पाइप का लाइन, जैसे कितना इंची का लाइन है और लाइन नंबर क्या है, सिंबल क्या है, इसका जानना बहुत जरूरी। कौन सा मटेरियल लग रहा है, SS लग रहा है, CS लग रहा है, कौन से फ्लांज लग रहा है, कौन सा जॉइंट आ रहा है, थ्रेड जॉइंट आ रहा है या शॉप जॉइंट आ रहा है, फील्ड जॉइंट आ रहा है, ये सब चिन्हित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो जाने के बाद इसको, ये गलती सुधारने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत चीज़ को ये करना पड़ता है। तो आप लोग कभी भी काम कीजिएगा ध्यान से, बहुत चीज़ बारीक से जानना है, बारीकी से जानकारी लेना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए ये इसमें रहेगा आपको सिंबल, जैसे ये सिंबल हम एक छोटा सा सिंबल दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे ये सिंबल है, बाट वोल्ट का सिंबल है, सॉकेट वोल्ट का सिंबल है, स्क्रू जॉइंट का सिंबल है, पाइप सपोर्ट का सिंबल है, थ्रेसेट का सिंबल है। ये सब सिंबल याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सब सिंबल याद नहीं रखेंगे, जैसे आप भी लाइन काम कर रहे हैं तो उसमें एक देख रहे हैं, आप शॉप जॉइंट कर रहे हैं करते उसमें एक स्क्रू जॉइंट, ब्रांच लाइन की स्क्रू जॉइंट आ गया, तो उसके आप अगर शॉप जॉइंट कर देंगे तो वो आगे बहुत दिक्कत करेंगे आपको। तो ये सब सिंबल याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट बात है। और बात है कि ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ड्राइंग का, ये लाइन नंबर जानना जरूरी है, इसका जो आप लगा रहे कौन से कितना इंची का लाइन कर रहा है इसमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें कितना इंची कर रहा है, लाइन नंबर कितना है, इसका शीट नंबर कितना है, इसका रिवीजन कितना है, ये सब जानना बहुत जानकारी है, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण है, इसमें और भी बात है आपको हम आगे बताएंगे। तो आप हमारा चैनल के साथ जुड़ा रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ डाउट है तो आप कंप्लेन आप उसमें कमेंट कीजिए। आपको धन्यवाद।